वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ हमने लिया जर्दा रंग फूड कलर, इसको हम पानी में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी को बॉयल होने तक हम मीडियम फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे पकने के लिए पानी को। तो यहाँ हमने चावलों को वॉश कर लिया अच्छी तरह, इनको हमने 30 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। ये देखे पानी में बॉयल जब आएगा फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे, लेकिन अभी हाँ पानी में बॉयल नहीं आया। तो तब तक आप हमें बता सकते हैं कि किस किस को ज़रदा चावल पसंद है। तो ये देखे पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो कहाँ से आप हमें देख रहे हैं ये भी हम बता सकते हैं। पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से बाहर है, गांव से है, शहर से है, ये भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो यहाँ हमारा पानी अभी बॉयल नहीं आया। जब तक पानी में बॉयल नहीं आता तब तक आप हमारे चैनल को फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ये भी आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती, चाहत होती है। तो ये देखें हमारे पानी में अब बॉयल आ रहा है। अब हम इनमें ऐड करेंगे चावलों को। ये देखें हमने चावल ऐड कर दिए हैं, दो हिस्से पक जाए चावल और एक हिस्सा जब रह जाए तब हम यहाँ अभी चावलों में उबाल नहीं आया। ये देखिए हमारे चावल अभी हो रहे हैं, तो इनको हम अभी बॉयल आने देंगे चावलों में। ये देखें चावलों में बॉयल आ रहा है। तो अब हम चेक करके देखेंगे कि कितने फीसद चावल पक चुके हैं। जब दो हिस्से गल जाए और एक हिस्सा रह जाए तब हमने इनको, ये देखे अब हम चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ हमने पानी हल्का सा लिया और चीनी ली, आधा किलो चावल ले गए थे, आधा किलो चीनी लेंगे, ना कम ना ज़्यादा। इसमें हमने 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची ऐड की है, इनका अब हम चाशनी तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा और मीडियम फ्लेम पर पकड़ा, इधर हम घी ऐड करेंगे। ये देखिए हमने घी ऐड कर लिए, अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए पक रहा है हमारा शीरा, जब शीरा पक जाए फिर हम चावल ऐड करेंगे। अभी हम इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट। ये देखिए हमारे चावल यहाँ हमारा शीरा भी हो रहा है। अब हम शीरे में चावल ऐड करेंगे, हमारा शीरा हो चुका है। ये देखिए अब हम इसको शीरे को मिक्स करेंगे चावलों में अच्छी तरह। ये देखिए हमारा शीरा जो है चावलों में मिक्स हो गया। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्के फ्लेम पे, लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे। ये देखिए हमने
यहाँ हमारे चावल देखे 20 मिनट बाद हमने जब उठाया, ये देखे बिल्कुल हो चुके हैं हमारे चावल। ये देखे कितने प्यारे हमारे चावल हो चुके हैं। जर्दा चावल हमारे पक चुके हैं। और दूसरी तरफ हमने यहाँ लिया कढ़ाई लिया, इसमें हम डालेंगे घी। ये देखिए घी हमने ऐड किया है। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह भूनेंगे और जीरे को। ये देखिए हमारा प्याज हो रहा है। ये देखिए हमने अदरक लहसुन ऐड किया। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ हमने हल्का सा पानी ऐड किया। यहाँ हमने टमाटर ऐड किए। एक बड़े साइज का हमने टमाटर लिया था, इसका छिलका हमने उतार लिया था। छिलका उतार के इसको हमने बारीक बारीक काट लिया। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून नमक और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ हमने ग्रीन चिली ऐड की है। मसाले को हम अच्छी तरह भूनेंगे। कोई भी सब्ज़ी हो ना तो मेन प्रोसेस होता है मसाला। उसको जितनी अच्छी तरह आप बुनेंगे उतनी आपकी अच्छी हंडिया बनेगी। अब हम इनमें आलू ऐड करेंगे। आलू को अच्छी तरह हम मसाले में मिक्स करेंगे। ये देखें हम मसाले में इनको भून रहे हैं अच्छी तरह। यहाँ हमने गोभी ली है। गोभी को भी हम अच्छी तरह भूनेंगे। चार से पाँच मिनट इसको इसी तरह हम भूनेंगे। ये देखें
हल्का सा हम पानी ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम रख देंगे ताकि ये देखें हमारी हंडिया बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आलू भी गल चुके हैं और गोभी भी अच्छे से पक गई है। ये देखें अब हम इसमें हरा धनिया और अदरक ऐड करेंगे। ये सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें हमारी आलू गोभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ हम बनाएंगे हलवा, बहुत ही यूनिक रेसिपी और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए हमने फूड कलर लिया पानी में, यहाँ हमने चीनी ऐड की है। इसको हम पकने के लिए रख देंगे। यहाँ हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने सूजी ऐड की है। ये देखिए सूजी को हम घी में अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ हमने मैदा लिया है, इसको भी हम सूजी में अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ हमारा मैदा और सूजी बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। अब हम इसमें ऐड करेंगे शीरा जो हमारा एक तरफ पक चुका था। यहाँ हमने जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल है आप उसमें इन सब चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल नरम और सॉफ्ट पक चुका है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह के बाद।